नर क्या यह पाप के प्रति गंभीर नहीं है, क्योंकि केवल आत्मा के विरुद्ध पाप ही अभिशाप है। यूरिकोबे द्वारा सचित्र 3 मिलियन, अगर आत्मा के खिलाफ एकमात्र ईश निंदा नरक में मौजूद है, तो क्या यह पाप के लिए गंभीर नहीं है? हम अपने आप से कह सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ क्षमा कर देगा, तो आइए हम कमजोरी से पाप करें। और फिर बहुत बुरा यदि हम मसीह की उपेक्षा करते हैं, किसी भी तरह से वह हमें अपने रहस्य का ज्ञान देगा और इसलिए अज्ञानता को माफ कर दिया जाएगा। यह एक गलत आकलन है। वास्तव में यह सच है कि नरक में केवल वे लोग ही रहते हैं जो पूरी तरह से अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, पूरी तरह से स्पष्ट है, और इसलिए वे इसे अपनी मर्जी से कभी नहीं छोड़ते। लेकिन यह केवल अन्य पापों को रोकता है, विशेष रूप से कमजोरी के पापों को, जो घातक हो सकता है, जैसे कि अपनी पत्नी को धोखा देना। लेकिन साथ ही परमेश्वर के रहस्य की पूर्ण अज्ञानता, जो कुछ अन्य जातियों के पास है और जो उन्हें पाप में लिप्त करते हैं, क्योंकि वे स्वयं से कहते हैं जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो चलो पाप करें। यह सब मनुष्य के हृदय में स्वार्थ को विकसित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो चीज पाप को गंभीर बनाती है वह है स्वार्थ, और उसका दूसरा पक्ष अभिमान, स्वयं की इच्छा का ऊंचा होना। परिणाम, यदि हम इसे कमजोरी से करते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद यदि यह स्वार्थ हमारा भरा इरादा बन जाता है, तो जब हम मृत्यु के घंटे में आते हैं और सुसमाचार हमारा है प्रचार किया और वह मसीह प्रकट होता है हमें, जब हम देखते हैं कि वह केवल उदारता है, ईश्वर का प्रेम है, पड़ोसी का प्रेम है, कि वह केवल नम्रता है, तो हम उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि उसका दिल जीवन भर स्वार्थ के लिए आत्म उत्थान के आदि हो गया है। जब इसके विपरीत हमारा सामना नर क्या यह पाप के प्रति गंभीर नहीं है, क्योंकि केवल आत्मा के विरुद्ध पाप ही अभिशाप है। यूरिकोबे द्वारा सचित्र 3 मिलियन, अगर आत्मा के खिलाफ एकमात्र ईश निंदा नरक में मौजूद है, तो क्या यह पाप के लिए गंभीर नहीं है? हम अपने आप से कह सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ क्षमा कर देगा, तो आइए हम कमजोरी से पाप करें। और फिर बहुत बुरा यदि हम मसीह की उपेक्षा करते हैं, किसी भी तरह से वह हमें अपने रहस्य का ज्ञान देगा और इसलिए अज्ञानता को माफ कर दिया जाएगा। यह एक गलत आकलन है। वास्तव में यह सच है कि नरक में केवल वे लोग ही रहते हैं जो पूरी तरह से अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, पूरी तरह से स्पष्ट है, और इसलिए वे इसे अपनी मर्जी से कभी नहीं छोड़ते। लेकिन यह केवल अन्य पापों को रोकता है, विशेष रूप से कमजोरी के पापों को, जो घातक हो सकता है, जैसे कि अपनी पत्नी को धोखा देना। लेकिन साथ ही परमेश्वर के रहस्य की पूर्ण अज्ञानता, जो कुछ अन्य जातियों के पास है और जो उन्हें पाप में लिप्त कर